तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, कल का मैच बहुत ही रोमांचक था और कल क्वालिफाई टू का मुकाबला था जिसमें कोई भी टीम अगर जीती तो फाइनल में जगह बनाई, जो टीम हारी तो अपने घर गई। और कल गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का मुकाबला था क्वालिफाई टू का, जिसमें गुजरात टाइटंस ने जीत करके फाइनल में अपनी जगह बनाई और मुंबई इंडियंस ने अपने घर गई। तो कल का मैच काफ़ी रोमांचक था और हम सब ने इस मैच का इंतज़ार किया था। और कल का मैच अहमदाबाद में, जो कि शाम को 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला गया था, और काफ़ी रोमांचक मैच था, बहुत ही रोमांचक मैच था। और रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस के तेज बैटिंग ने 20 ओवरों में 233 रनों का टारगेट दे दिया, जो कि 233 रनों का टारगेट बहुत ही एक बड़ा स्कोर होता है। 233 रनों का टारगेट 20 ओवरों में, 120 बॉल में 233 रनों का टारगेट बहुत ही बड़ा एक स्कोर होता है। तो काफ़ी गुजरात टाइटंस के बैट्समैन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जैसे ऋतुमन साहा हो गए, शुभमन गिल हो गए, जो कि एक बहुत ही बड़े फॉर्म में चल रहा है, बहुत ही अच्छे लय में है, अच्छे फॉर्म में। उनका बैटिंग का करियर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बैटिंग है, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी किया। कल उन्होंने 10 छक्के और 7 चौके की मदद से 129 रन बनाए और काफ़ी बहुत बड़ा, इसको बोल सकते हैं बहुत ही बड़े खिलाड़ी है शुभमन गिल, जो कि काफ़ी जाने माने खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त, काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। और जो बैटिंग कर रहे थे ताबड़तोड़, काफ़ी मज़ा आ रहा था बैटिंग देखने में, जो कि 10 छक्के और 7 चौके की मदद से 129 रन बनाए, वो काफ़ी अच्छा मैच लग रहा था। वही साई सुदर्शन ने भी 40-47 रनों की पारी खेली थी, काफ़ी अच्छा मैच लग रहा था वो भी, और बहुत ही अच्छा। और हार्दिक पांड्या, ऋतुमन साहस और रशीद खान, चार पाँच बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने गुजरात टाइटंस के गेंद बैटिंग ने, और 20 ओवरों में 233 रनों का टारगेट दे दिया मुंबई इंडियंस को, जो कि बहुत ही बड़ा स्कोर होता है 20 ओवर में। और मुंबई इंडियंस के बैटिंग और गेंदबाजी करते करते बैटिंग करते करते 171 रन पे ही ऑल आउट हो गए, लेकिन हमें उम्मीद था कि हाँ मुंबई जीत जाएगी आज का मुकाबला, लेकिन नहीं जीत पाई। वही मुंबई की आज लाखों करोड़ों फैंस हैं, लाखों करोड़ों दीवाने हैं, बहुत ही अच्छी फैन है, लाखों करोड़ों फैन है, फॉलोइंग है, और बहुत ही एक अच्छी टीम है मुंबई, काफ़ी अच्छी टीम है, 5 ट्रॉफी जीत गई है और काफ़ी अच्छी टीम है। और बहुत ही उम्मीद था हम लोगों को कि मुंबई शायद मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन नहीं जीत पाई। तो बस गाइस, पहले हुआ क्वालिफाई वन का मुकाबला जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की, और गुजरात टाइटंस के बीच में जो मुकाबला हुआ मुंबई और सॉरी चेन्नई और गुजरात के बीच में, तो चेन्नई ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की और करके सीधा फाइनल में जगह बनाई, और गुजरात टाइटंस आ गई क्वालिफाई टू में। वहीं एनिमिलेटर का मुकाबला हुआ जिसमें लखनऊ और मुंबई के बीच में हुआ, तो मुंबई इंडियंस ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल करके क्वालिफाई टू में अपनी जगह बनाई। और क्वालिफाई टू का मुकाबला कल था 26 तारीख को अहमदाबाद में, जो कि काफ़ी अच्छा मुकाबला था, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में क्वालिफाई टू का मुकाबला हुआ जिसमें गुजरात टाइटंस ने बहुत ही बड़ा स्कोर दे करके अच्छी जीत हासिल की, और अच्छी जीत हासिल करने के बाद आ गई फाइनल में जगह बनाई और मुंबई इंडियंस बाहर हो गई आईपीएल से। लेकिन मुंबई इंडियंस ने भी हार नहीं मानी, जहां तक उससे हुआ वहां तक उन्होंने वो किया, लेकिन गुजरात टाइटंस ने बहुत ही बड़ा टारगेट दे दिया था, जो कि 20 ओवरों में 120 बॉल में 233 रनों का टारगेट बहुत ज़्यादा है। शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, बहुत ही अच्छा बैटिंग किया था, 10 छक्के और 7 चौके की मदद से 129 रन अकेले ही बनाए थे, और काफ़ी अच्छा बैटिंग देखने को मिल रहा था। और बहुत ही उम्मीद था लोगों को कि मुंबई इंडियंस मैच जीत जाएगी, क्वालिफाई टू का मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपये से, और मुंबई में भी काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बैटिंग है। रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, और सूर्य कुमार यादव हो गए, टीम डेविड हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, निहाल पटेरा हो गए, काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन जाते जाते 20 ओवर में नहीं, मात्र 18 ओवर में 172 रन के टारगेट स्कोर पे ऑल आउट हो गई, लेकिन मुंबई पे मेरी हार नहीं मानी, बहुत ही अच्छा पारी खेली थी उन्होंने और बहुत ही अच्छा कोशिश किया, और काफ़ी अच्छा मुकाबला लग रहा था। और गाइस, मैंने तो पहले बता दिया था जब क्वालिफाई वन का मुकाबला हुआ और गुजरात जब हारी, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मुकाबला जो होगा फाइनल वो इन दोनों के बीच हो ही होगा, और इसमें कोई भी टीम कुछ भी करे। और जाते जाते वही हुआ, मुंबई गुजरात और चेन्नई के बीच में फाइनल का मुकाबला है। पहले वन का क्वालिफाई वन का मुकाबला हुआ जिसमें चेन्नई ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की, और मैंने आप लोगों को शायद बताया था पिछले वाली वीडियो में कि फाइनल का जो मुकाबला है वो गुजरात
और चेन्नई के बीच में ही होने वाला है, और आखिर वही हुआ। फाइनल का मुकाबला जो है वो 28 तारीख को है, आज है 27 तारीख, कल है 28 तारीख, और कल का मैच अहमदाबाद में शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, जो कि फाइनल मुकाबला है। 28 तारीख को मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे, और काफ़ी अच्छा मुकाबला है, दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है। एक बार मुकाबला हो चुका है तो चेन्नई ने काफ़ी जीत हासिल किया। अब देखते हैं कि कल के मुकाबले में क्या होता है, गुजरात टाइटंस जीतती है या फिर हारती है, वो तो कल ही देखने को मिलता है। और दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है, दोनों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, जैसे गुजरात में ऋतुमन साहा हो गए, शुभमन गिल हो गए, जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, काफ़ी तगड़े वाले फॉर्म में है इस वक्त। साई सुदर्शन हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, डेविड मिलर हो गए, विजय शंकर हो गए, काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, और मोहम्मद शमी हो गए, काफ़ी तेज गेंदबाज है, और मोहित शर्मा हो गए, काफ़ी अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। वही चेन्नई में भी ऋतुराज गायकवाड़, कोनवे, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, राइडू, MS धोनी, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों में। तो देखा जाएगा कल का मुकाबले में क्या होता है, कौन टीम जीतती है, कौन टीम हारती है, फाइनल का मुकाबला वो तो कल ही पता चलेगा। और गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कल का मुकाबला कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और कल का मैच काफ़ी रोमांचक मुकाबला है, बहुत ही इंतज़ार किया हमने, और कल इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो जाएगी शाम को 7:30 बजे, और IPL भी ख़त्म हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा मैच है कल का, बहुत ही शानदार मुकाबला है, और काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा मुकाबला है कल का मुकाबला जो होने वाला है, काफ़ी अच्छा मुकाबला है, बहुत ही अच्छे मुकाबला है, और दोनों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और एक दिनों के बाद बीच में क्वालिफाई का वन का मुकाबला हो चुका है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की, और गुजरात हार गई। अब देखते हैं कि कल हार्दिक पांड्या क्या करते हैं, शुद्ध समेत वापस करते हैं या फिर हारते हैं, वो तो कल ही पता चलेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले किसी मजेदार वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, क्योंकि इसी रिलेटेड से वीडियो आती रहेगी, और आप लोगों को समाचार और टीम बनाने के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे अच्छे बैट्समैन मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले किसी मजेदार वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए टीम बनाने के लिए अच्छे अच्छे प्लेयर दे रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मैं तो आप लोगों को पहले बता दिया था कि गाइस शुभमन गिल बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आप लोग उनको टीम बनाने के लिए जरूर चुनिएगा, और जो लोग चुने होंगे उसको तो मतलब बल्ले बल्ले है, और जो नहीं चुने होंगे वो तो पछता रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन लगा, मिलते हैं अगली किस्म फाइनल की वीडियो में, देखते हैं और कल का फाइनल कौन जीतता है कौन नहीं, कल का वीडियो में जरूर लगूंगा। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।